दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल दीपक टेक्निकल। तो दोस्तों आज जो वीडियो है हम ब्लूटूथ बॉक्स जो होता है उसका ऊपर बनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों ब्लूटूथ बॉक्स क्या किसको बोलते हैं, जो ये टाइप का जो बॉक्स है दोस्तों, देखिए ये टाइप का बॉक्स, इससे भी छोटा आता है, इससे भी बहुत बड़ा आता है। तो ये सब बॉक्स जो है होता है मोबाइल को कनेक्ट करके हम लोग मोबाइल्स का गाना जो इससे सुनते हैं, तो दोस्तों इसको ब्लूटूथ बॉक्स बोलते हैं। तो ये इसमें अगर प्रॉब्लम होता है तो दोस्तों इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए इसमें सब क्या क्या प्रॉब्लम आता है। आज जो होता है हम सब प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करके नहीं दिखाएंगे, एक एक प्रॉब्लम को दिखाएंगे, वो उसका मेन प्रॉब्लम है। ज़्यादातर ब्लूटूथ में वही प्रॉब्लम होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों मोबाइल का जो पीसीबी होता है वो बहुत क्या बोला स्ट्रांग, मतलब बहुत पावरफुल, मतलब चीज़ होता है, मतलब उसका स्ट्रांग चीज़ होता है। मान लीजिए उसका ऊपर जो सॉकेट लगा हुआ है चार्जिंग सॉकेट, वो बहुत मजबूत से लगा हुआ है। मान लीजिए उसमें अगर आप ज़बरदस्ती भी पुश कर देंगे, निकाल देंगे, तो ऊपर तब पर भी वो सॉकेट कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन दोस्तों ये जो ब्लूटूथ बक्सा होता है उसका ऊपर जो सर्किट लगा हुआ, अंदर में जो सर्किट है उसका ऊपर जो सर्किट का ऊपर जो आपका चार्जिंग सॉकेट लगा हुआ है उसका, उसको अगर आप कोई सा अगर चार्जिंग पिन में अगर थोड़ा ज़ोर से, देखिए ये होता है चार्जिंग पिन, अगर इसमें अगर आप ज़ोर से कर दीजिए तो क्या होता है, आपका चार्जिंग सॉकेट जो होता है उखड़ जाता है दोस्तों। और फिर कैसा उखड़ता है बोलिए, जो उसका जो ट्रैक का जो फॉइल सब होता है, मतलब जिसका ऊपर वो सोल्डिंग लग के बैठता है, वो चीज़ भी उखड़ जाता है। मान लीजिए अगर उसका सॉकेट आपका ख़राब होगा, मतलब उखड़ गया, तो आप उसी जगह में, मतलब वो पीसीबी का ऊपर और सर्किट का ऊपर आप नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि उसमें तो कुछ होगा ही नहीं, वो तो पूरा क्योंकि उसका कवर गया होगा, उसका जो फॉइल है, जो उसका जो सर्किट का जो फॉइल होता है वो कवर गया होगा दोस्तों। तो इसीलिए उसको क्या तरीका से हम लोगों बनाने से वो हम लोग फिर अगेन रीयूज कर सकते हैं, नहीं तो ये कोई सा काम का नहीं बनेगा दोस्तों, इसको फिर फेंका जाएगा घर का कौन कोई, मतलब किस कोने में। तो इसीलिए आज जो चीज़ का ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, और बाकी तो अलग प्रॉब्लम है। मान लीजिए ये तो आपका इसका जो किट होता है वो तो चाइना किट होता है, दूसरा होता है उसका अगर बैकअप नहीं रखता है तो आप उसका बैटरी जो होता है उसको चेंज कर सकते हैं, अगर बैकअप ज़्यादा देरी नहीं रखता है तो। तो आज जो चीज़ है मेन जो चीज़ होता है उसका चार्जिंग सॉकेट, जो ये जो होता है आपका जो 60% जो ब्लूटूथ आता है मैंने कंप्लेन, वो होता है चार्जिंग सॉकेट का 60-70% दोस्तों चार्जिंग सॉकेट का मैंने इशू रहता है। तो इसीलिए इसको आज हम लोग कैसे बनाएंगे, चलिए दोस्तों उसका ऊपर हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। तो दोस्तों अभी चलिए प्रैक्टिकल करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अभी इसका हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। तो ये ब्लूटूथ बॉक्स जो है उसको खोलना पड़ेगा दोस्तों। इसी का चार्जिंग सॉकेट देखिए ये गया है, मतलब ये कहाँ नहीं है उसका जगह पे, मतलब कवर गया है पूरा, उखड़ गया है। तो चलिए उसको पहले कैसे खोलते हैं जानेंगे दोस्तों। ये इसी प्रकार खोला जाता है, देखिए देखिए ये खुल गया उसका ऊपर वाला नट। उसका बाद यहाँ पर जो होता है दोस्तों ये होता है आपका स्क्रू जो है, देखिए इसका अंदर सब है, उसको भी खोलिएगा दोस्तों, ये स्टार वाला है दोस्तों। दोस्तों सारे स्क्रू को हम खोल दिए, अभी देखिए दोस्तों उसी को अभी स्क्रू सबको हम इकट्ठा करके रखेंगे। देखिए इतना स्क्रू निकाला दोस्तों, अभी देखिए इसको कैसे हम खोलेंगे, देखिए अभी इसको हम इसी प्रकार खोलेंगे। देखिए ये और दो एक ठो स्क्रू है दोस्तों, बस ख़त्म हो गया। अभी देखिए ये लॉक हुआ है दोस्तों, उसी को इसी हिसाब से हम लोग खोलेंगे दोस्तों। देखिए
तो दोस्तों अभी हम लोगों ने इसको खोल दिया, अभी इसका सर्किट दोस्तों निकालेंगे। इसका ऊपर वाला भी और एक नेट है दोस्तों, उसी को भी निकाल देंगे दोस्तों, ताकि हमको काम करने में आसान होगा। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए पूरा उसका पीसीबी निकल गया। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने इसी का ऊपर देखिए, इसी चीज़ का ऊपर चर्चा करने वाले हैं। देखिए इसका तो चार्जिंग सॉकेट दोस्तों, वो आपका लगने वाला जगह जहाँ पे है वो देखिए पूरा उखड़ चुका है। तो दोस्तों ये देखिए लगने वाला जगह पूरा उखड़ चुका है। तो दोस्तों इसी को हम लोग कैसे, देखिए ये जो चार्जिंग सॉकेट पहले लगा था उसको अगर हम लोग लगाएंगे तो ये नहीं लगेगा। उसके लिए मार्केट में दोस्तों मिलता है ये एक ठो, इसको बोलते हैं चार्जिंग सॉकेट बोलते हैं उसी को। तो ये जैसे लगा था वो उसी मतलब जगह में इसी को भी हम लगा सकते हैं, लेकिन ये वही प्लेस में नहीं लगे, इसी के लिए हम अलग किसी जगह में हम होल करेंगे और लगाएंगे, लेकिन ऐसा जगह में होल करेंगे जैसे उसका ब्लूटूथ बॉक्स का शो भी ख़राब नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो पहले हम निकालेंगे इसका ट्रैक कहाँ से निकलता है, उसका जो प्लस माइनस जो होता है दोस्तों वो कहाँ से हम निकालेंगे। देखिए अगर ये जो चार्जिंग सॉकेट को हम सामने से पकड़े, माने ऐसे करके पकड़े, मतलब हम लोगों का मुँह का तरफ ये चार्जिंग सॉकेट होगा, तो लेफ्ट साइड जो होता है प्लस होता है और माइनस साइड जो होता है वो सॉरी। तो दोस्तों ये इसका सर्किट बोर्ड है। तो दोस्तों अभी देखिए ये जहाँ पे दोस्तों ये जो सॉकेट है लगना चाहिए वहाँ पे दोस्तों ये पूरा क्या हो गया है, कवर गया है, मतलब उखड़ गया उसका फॉइल देखिए। तो अभी आपको कैसे पता चले इसका प्लस और माइनस कौन है, मान लीजिए देखिए ये ऊपर रख के हम लोग क्या कैसे जानेंगे, उसका एक तरीका है। तो दोस्तों चार्जिंग सॉकेट का जो लेफ़्ट साइड होता है वो होता है प्लस, देखिए ये जो लेफ़्ट साइड होता है प्लस है, कहाँ पे गया है देखिए यहाँ तक गया है दोस्तों, देखिए ये वाला जो सिरा गया है देखिए ये वाला ये होता है प्लस दोस्तों, और ये जो राइट साइड जो है दोस्तों ये वाला ये होता है माइनस। देखिए दोस्तों ये अच्छा से देखिए, ये वाला जो होता है दोस्तों माइनस होता है, ये वाला जो होता है प्लस होता है दोस्तों, प्लस आपका यहाँ पे लगा हुआ है, ये जो लाइनिंग कहाँ पे गया है दोस्तों यहाँ पे गया है। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तार तो दोस्तों ये प्लस का आ जाएगा, और यहाँ से अगर निकालेंगे तो माइनस का आ जाएगा दोस्तों। तो इसी प्रकार चलिए दोस्तों अभी हम इसी को सोल्डिंग करते हैं। कौन तार से दोस्तों, ये होता है एक एनामल तार, देखिए ये होता है आपका पंखा उनका बाइंडिंग करने वाला जो पतला तार होता है वही उसी को बोलते हैं एनामल कोटेड तार। जो उसी को क्या करना, अगर हम ये जो सॉकेट का जो मोटा तार लगा हुआ है उसी को अगर सोल्डिंग करेंगे तो हमको दिक्कत होगा, क्योंकि हमको कहाँ फिक्स करना अभी तक हम लोगों ने फाइनल नहीं किए हैं सॉकेट को। तो दोस्तों देखिए अभी इसको छील के हम सोल्डिंग करते हैं, देखिए छील दिए, अभी देखिए सोल्डिंग करते हैं, कहाँ पर करें पहले माइनस में करते हैं, देखिए दोस्तों देखिए जहाँ पे हम घिस के चिकना किए थे दोस्तों वहाँ पे किए, देखिए अच्छा से करिएगा, देखिए ये दोस्तों ऑन हो जाता है क्योंकि दब गया तो इसीलिए। तो देखिए दोस्तों ये कहाँ पे हम किए, माइनस पे किए हैं जहाँ पे हम छीले थे। अभी देखिए और एक ठो जो एनामल कोटिंग तार है दोस्तों वो जो है उसी का अभी हम लगाएंगे दोस्तों, देखिए दोस्तों अभी देखिए और एक टुकड़ा लाए हम, इसको अभी हम छीलेंगे क्योंकि उसका ऊपर एनामल कोटिंग रहता है वो सोल्डिंग नहीं पकड़े हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी हो गया, अभी इसको हम लगा देते हैं सोल्डर इसी में, तो अभी वही टर्मिनल में दोस्तों करेंगे जहाँ पे प्लस आपको बताया था मतलब लेफ्ट साइड, देखिए दोस्तों लग गया। अभी ये सही हुआ कि नहीं हम लोगों कैसे जानेंगे, हम लोगों का काम सही हुआ कि नहीं, तो अभी हम लोगों एक ठो चेक करेंगे उसको दोस्तों। जिसमें हम गांठ मार दिए हैं वो होता है माइनस, देखिए
ये होता है माइनस, उसको प्लस और माइनस आइडेंटिफाई करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर उल्टा पलटी हो जाएगा तो दोस्तों ये सर्किट ख़राब हो जाएगा। तो चलिए अभी देखिए, ये जो होता है LG 35 का जो सॉकेट होता है दोस्तों, ये देखिए ये सॉकेट मार्केट में मिलता है, इसी को क्या करके हम होल करके दोस्तों इसमें लगा दिए हैं। आप क्या करिएगा, एक तो चक्कू जैसे या पतला कोई सा ऐसे स्क्रू ड्राइवर में होल कर दीजिएगा और इसी को यहाँ पे घुसा दीजिएगा, और होल ज़्यादा बड़ा मत करिएगा दोस्तों, ढीला हो जाएगा पूरा। सेम इसी का नापी में करिएगा, तो देखिए इसी का प्लस माइनस इधर है, ये वाला जो होता है वाइट वाला माइनस होता है और जो रेड वाला होता है प्लस होता है। पहले इसमें लगा देते हैं दोस्तों, पहले माइनस को जॉइंट कर देते हैं, मतलब वाइट के साथ। इसको टेम्परली हम करेंगे क्योंकि अभी हमको चेक करना है ये चार्ज होता है कि नहीं दोस्तों। देखिए हम वायर को ट्विस्ट कर दिया अच्छा से, फिर प्लस को लाल का साथ अभी ट्विस्ट करेंगे दोस्तों। ट्विस्ट कर देंगे, देखिए अभी अगर होगा तो इसमें एक ठो सोल्डिंग भी मार देंगे। तो देखिए दोस्तों सोल्डिंग मार दिए अच्छा से, हम सोल्डिंग मार दिए, देखिए कैसे हम सोल्डिंग मार रहे हैं, देखिए सोल्डिंग अच्छा से मार दे रहा हूँ, क्योंकि बाई चांस ढीला हो जाने से दोस्तों वो नहीं होगा, मतलब चार्जिंग नहीं होगा। तब भी देखिए अभी तो एक तो बोर्ड में हम ये चार्जर लगा के अभी हम चेक करेंगे दोस्तों चार्ज हो रहा कि नहीं। देखिए अब लगा दिए सॉकेट, अब देखेंगे चार्ज हो रहा कि नहीं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ये बत्ती जल रहा है, बत्ती जलने का मतलब होता है चार्जिंग सही से हो रहा है। तो दोस्तों इसी प्रकार देखिए हम कैसे इसका चार्जिंग का जो फॉल्ट हुआ था उसको कैसे ठीक कर दिए। तो दोस्तों अगर आपका ब्लूटूथ ऐसा आपका होगा तो आप इसी प्रकार इसी को ठीक करिएगा, और ये जैसे हम बनाए इसको, लेकिन इसी चीज़ का ऊपर दोस्तों चार्ज मतलब इसी सर्किट का ऊपर चार्जिंग सॉकेट नहीं लगेगा, आप अलग चार्जिंग सॉकेट एक तो अच्छा जगह में लगाइएगा। जैसे सो आपका खराब, मान लीजिए एक तो ब्लूटूथ है उसका सामने में अगर ये चार्जिंग सॉकेट लगा दीजिएगा तो दोस्तों उसका सो ख़राब हो जाए। तो हम इसको दोस्तों पीछे में लगाए हैं देखिए, ताकि उसको किसी को पता नहीं चलना चाहिए और सो ख़राब नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इसी प्रकार अगर ब्लूटूथ में अगर प्रॉब्लम होगा तो आप बनाइएगा। तो और रहा बैटरी, अगर आपका टाइमिंग मतलब ज़्यादा नहीं देता होगा, मतलब बैकअप ज़्यादा देरी नहीं होता होगा, तो आप इसी को बैटरी चेंज करेंगे और ज़्यादा इसका और उतना प्रॉब्लम कुछ इशू मतलब नहीं आता है। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, मेरा ख्याल से आज आप समझ गए होंगे चार्जिंग सॉकेट और इसका कैसे अगर चार्जिंग का फॉल्ट होता है तो उसको हम लोग कैसे सुधारेंगे या बनाएंगे। तो दोस्तों जय हिंद।